अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके के लिए यहां भगवान कृष्ण के पैदा होने की जगह मथुरा से लड्डू भेजे जाएंगे। मथुरा से मकर संक्रांति के दिन भगवान राम को भोग लगाने के लिए खास तौर से बनाए गए लड्डू भेजे जाएंगे। लड्डू गोपाल अपनी जन्मभूमि से रामलला के लिए स्वयं प्रेरणा देकर लड्डू भोग भेज रहे हैं। 15 जनवरी संक्रांति के दिन बड़ी मात्रा में ऋतु अनुकूल सामग्री से बनाए गए दिव्य लड्डू भोग भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर आयोजित इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नैवेद्य के रूप में भेजे जाएंगे। ये खास लड्डू केसर और सूखे मेवे से बनाए गए हैं। इन्हें रथ के आकार में सजी गाड़ी में अयोध्या भेजा जाएगा। मकर संक्रांति के बाद श्रद्धालुओं के बीच लड्डू बांटे जाएंगे। श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर राजभोग प्रसाद, हलवा प्रसाद, खीर प्रसाद और लड्डू प्रसाद बड़ी मात्रा में वितरित किया जाएगा। अयोध्या में 36 जगहों पर श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक खाना खिलाने की व्यवस्था 2400 घंटे होगी। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।